ये मिक्स वेजिटेबल पुलाव को मैंने दम देके उसको मैंने डिश आउट कर दिया है और अब ये तैयार है। आप अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स दें और बताएं कि कैसा बना है, और ज़रूर बनाया करें चीज़ों को। और मेरे चैनल जायका KPK को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पे मेरे पेज को जायका KPK को ज़रूर लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ। इसके लिए मैं जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये आधा किलो चावल है, मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रखा हुआ है। ये आलू हैं, एक पाव के करीब आलू हैं, दो गाजर है, आधी शिमला मिर्च है, दो गाजर हैं, और ये चार टमाटर हैं। ये एक बड़ी प्याज है, मैंने काट लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक टेबल स्पून है, उसमें मैंने एक टेबल स्पून पानी डाला है। ये लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, एक टी स्पून हल्दी है, एक टी स्पून गर्म मसाला है, एक टी स्पून नमक है, और ये एक टेबल स्पून सूखा धनिया है। ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, इसको मैं बाद में डालूँगी। अभी मैंने आधा कप तेल यानी 4 टेबल स्पून तेल मैंने गरम करके रखा हुआ है, उसमें मैं ये प्याज डाल रही हूँ। अब ये प्याज थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाएगी, लाइट गोल्डन हो जाएगी, तो फिर मैं उसमें सारे मसाले डालूंगी। ये प्याज अब देखें लाइट गोल्डन हो गई है, ये सिर्फ गोल्डन है बस, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। फिर इसमें सारे मसाले मैं डालूंगी, ये नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, तेज़पत्ता, हल्दी, ये सारा मैं डाल दूंगी। तो मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, और फिर ये लहसुन अदरक का पानी है, एक टेबल स्पून लहसुन अदरक है, और एक मैंने इसमें क्यूब डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है, इसको मैं डाल रही हूँ। टमाटर और आलू डाल दूंगी, और आलू जो आधे थोड़े से गल जाएंगे तो फिर मैं ये गाजर डालूंगी। गाजर डाल के उसके बाद से जब मैं चावल डालूंगी तो उसके साथ ही शिमला मिर्च और ये सफ़ेद ज़ीरा और एक टेबल स्पून मक्खन डालूंगी। अभी मैं मसाला फ्राई कर रही हूँ। अभी मसाला फ्राई हो गया है, अभी इसमें ये आलू और टमाटर डाल दें। आलू जब आधे गल जाएंगे तो फिर मैं गाजर शामिल करूंगी, और फिर उसके बाद से चावल और बाकी चीज़ें। अब ये जब गल जाएंगे फिर मैं दोबारा आपके सामने, मैंने टमाटर आलू डाले थे, वो आलू आधे गल गए थे तो उसमें मैंने गाजर डाल दी थी। अब उसमें मैं ये चावल डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, और पानी इतना डालना है, देखें ये देखें इतना है बस, ये एक पोरे तक पानी होता है ये। अब इसमें मैंने नमक चख लिया है, अभी मैं शिमला मिर्च, ज़ीरा और मक्खन डाल दूँ। इसका पानी जब सूखेगा तो फिर मैं इसको दम पे रखूँगी, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी।